hello i welcome you all once again to my channel explore education i am dr rashmi singh assistant professor department of education ss kannaga girls Party college university of allahabad and uh, i am discussing nowadays topics under research methodology in which today this time i am taking a topic good quality research means what do you mean by good quality research which type of research you can say it has good quality. Uh, when we are doing research, we have to understand the parameters of good quality research. And the lecture will be in bilingual mode, and it is obviously useful. Okay, let's start. First of all, research. हम सभी लोगों ने research मतलब अनुसंधान, अनुसंधान के बारे में सबने सब जानते हैं। हम जब भी कोई अनुसंधान की किताब उठाते हैं research methodology की, तो वो हमको बताता है कि हमको re plus search है ना re को सर्च से जोड़ा है यानी कि हमको खोजना है बार बार खोजना है अन्वेषण करना है अनुसंधान करना है इस तरीके की बातें बताई जाती हैं तो वो वो सब सब हम हम पर डिस्कस नहीं करेंगे वो सब हम जानते हैं और कुछ अलग अगर है जिसके बारे में कम जानते हैं हम वो जानते हैं तो क्या है कि रिसर्च इज इस कॉमन एक्टिविटी इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे पहली बात कि हम ये जान जाएं कि पूरे विश्व में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च करी कराई जाती है तो इसका मतलब ये कोई एक ऑल्ट All, uh, मतलब uh, कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं जो सिर्फ हम और आप कर रहे हैं ना विश्व में सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिसर्च करते कराते हैं ऑल्सो कॉल स्कॉलरली रिसर्च इसको स्कॉलरली रिसर्च भी कहा जाता है ये खास बात है कि <coughs> पढ़ने के क्षेत्र में जब हम रिसर्च करते हैं शैक्षिक क्षेत्र की जो अनुसंधान होते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज होता है एक ही उद्देश्य होता है कि जो ज्ञान का भंडार है उसमें हम कुछ जोड़ सकें कुछ ऐड कर सकें भले वो कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो पर कुछ एड ऑन होना चाहिए रिसर्च में भी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन दैट मे लीड टू दी डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स और थियरीज Resulting in the prediction and possibly ultimate control of events. अगर आपने क्वालिटेटिव और क्वानिटेटिव रिसर्च के बीच का अंतर जाना है तो आप जान जाएंगे कि ये जो डेफिनेशन दी गई है ये क्वानिटेटिव रिसर्च की है क्योंकि इसी में ये सिस्टमैटिक होता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होती है हम ऑब्जर्वेशन कंट्रोल कंडीशन में ऑब्जर्व करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं फिर हम जनरलाइजेशन पे जाते हैं प्रिंसिपल या थियरीज का डेवलपमेंट होता है और हम कुछ प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं और हम कंट्रोल भी करना चाहते हैं तो ये सब कुछ किसकी आप जानते हैं कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक है क्वांटिटेटिव रिसर्चस या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ये सब खास बातें हैं रिसर्च इन एनी डिसिप्लिन ऑफ थॉट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द एग्जिस्टिंग फंड ऑफ नॉलेज बाय एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर दैट चैलेंज द ह्यूमन क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग रियलिटी यानी कि किसी भी अनुशासन में किसी भी आप विषय क्षेत्र में हम्म किसी भी तरीके के रिसर्च कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि जो उस विषय का ज्ञान क्षेत्र है आप उसमें कुछ ऐड करेंगे कुछ उसमें बढ़ाएंगे हम एनहांस करेंगे द क्वेश्चन ऑफ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च अंडरस्कोर्स whether the research in any branch of knowledge enriches the ecosystem in a significant way यानी कि जब भी हम क्वालिटी ऑफ रिसर्च की बात करें तो हम ये सोचें कि हम जो उत्पादित कर रहे हैं जो फाइंडिंग हम निकाल के ला रहे हैं क्या वो ज्ञान के क्षेत्र में कुछ बढ़ोतरी कर रहा है कि नहीं में क्वेश्चन ऑफ professional और हायर एजुकेशन पॉलिसीज हैं, वो ये डिबेट करती रहती हैं कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या होनी चाहिए यानी कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात की जाती है ताकि पता चले कि गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान है क्या तभी तो जो अनुसंधान करता है वो उसको पूरा करने की कोशिश करेगा ओके okay. अब आते हैं गुड क्वालिटी रिसर्च पे गुड क्वालिटी रिसर्च प्रोवाइड्स एविडेंस दैट इज रोबस्ट इथिकल स्टैंड्स अप टू स्क्रूटनी एंड कैन बी यूज्ड टू इनफॉर्म पॉलिसी मेकिंग यानी कि जो बढ़िया रिसर्च होती है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती, वो वो होती है वो वो रोबस्ट होती है वो इथिकल होती है मतलब आप कोई उसमें गलत मीन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मतलब आप उसके अगर बार बार किया जाए तो भी सेम रिजल्ट देगी स्क्रूटनी उसकी जांच के बाद भी वो सही पाई जाएगी एंड कैन बी यूज टू इनफॉर्म पॉलिसी मेकिंग और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन पे भी आप कुछ सूचना पहुंचा सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स के द्वारा कि ये आप ऐसा कर सकते हैं उनको भी आप आ,

ऑपरेशनल डेफिनेशन उस उसम को आप कैसे यूज कर रहे हैं वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा अकाउंटेबिलिटी यानी कि जांच में सही पाई जाएगी वो अकाउंटेबिलिटी मतलब जो उसके पार्टिसिपेंट है उनके प्रति अकाउंटेबल होगी ऐसा नहीं कि हम डेटा मोल्ड करके पेश कर सकते हैं किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अपनी रिसर्च से ये नहीं होगा एंड ऑडिटेबिलिटी यानी कि जाँच उसकी की जाएगी तो भी वो सही रिजल्ट देगी वही रिजल्ट देगी ओके okay. तो कुछ पॉइंट्स हमको पता चले कि ये अगर हो तो गुड हमारी रिसर्च कही जा सकती है कि कि ये गुड गुड क्वालिटी रिसर्च 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 है सबसे तो पहली बात इज ऑन ए साउंड क्वेश्चन आप अगर रिसर्च कर रहे हो करा रहे हो तो आप जानते हैं कि आपसे आप कहते हैं या आपसे कहा जाता है कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो सबसे बढ़िया होना चाहिए क्यों क्योंकि वही रिसर्च क्वेश्चन है जिस पर आप तीन चार पांच साल काम करेंगे वो इंटरेस्ट का होना चाहिए आपके वो नोवेल होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कुछ निकाल कर दे तो यही ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस कनिंग्स कमिंग्स एट अल जस्ट यूजिंग फाइनल क्राइटेरिया टू क्रिएट और रिसर्च क्वेश्चन उन्होंने कहा कि एक क्राइटेरिया आप रख के चल सकते हैं कि आप उससे तय कर सकते हैं कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो बढ़िया है कि नहीं क्या है इनका फाइनल एफ फॉर फिजिबल यानी कि रिसर्च क्वेश्चन ऐसा हो जो कम से कम आप प्राप्त कर सकें प्राप्य हो इंटरेस्टिंग आपके लिए रोचक होना चाहिए नॉवेल कुछ नया निकाल के दे रहा हो इथिकल आप उसमें कोई सब सही मायनों में सही तरीके से करेंगे और रेलिवेंट हो है ना यानी कि विषय समय के हिसाब से हो अगर आज आप ये करने लगे कि ऑनलाइन शिक्षा आ, कैसे अः चलाई जाएगी ऐसा कुछ तो ऑनलाइन शिक्षा चला ली गई है वो तो इतना तैयारी भी नहीं थी तब भी चला ली गई है ना तो इस तरीके के क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन रेलिवेंट होना चाहिए आपका फिर गुड रिसर्च फॉलोज सिस्टमेटिक अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथडोलॉजी जब हमारा रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा तो वो तय करेगा कि हम कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सिस्टमेटिक और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपको पता होगा कि हम या तो क्वान्टिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं या क्वालिटेटिव या आजकल मिक्सड मेथड अप्रोच का जमाना है फिर गुड रिसर्च टेक्नोलॉजीज़ प्रीवियस रिसर्च ऑन दी टॉपिक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ने बस रिसर्च का टॉपिक चुना और आपने काम करना शुरू कर दिया आपको पता होना चाहिए कि उस विषय विशेष पर पहले क्या काम हुआ है कितना काम हो गया है कौन-कौन से वेरिएबल्स पे काम हो गया है कौन-कौन कौन से घटनाएं अध्ययन की जा चुकी हैं कौन सा ऐसा पहलू है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कि जब हम Review of Related Literature का चैप्टर लिखते हैं हैं हमको यही बताना होता है कि क्या हुई हैं। और फिर हम गैप को फाइंड आउट करते हैं कि वो कौन सा है है जो आपकी रिसर्च करने जा रही है। वही सिग्निफिकेंस ऑफ दी स्टडी बन जाता है कि आपके अध्ययन का क्या महत्व है है ना फिर गुड रिसर्च यूजेज रेलिवेंट इम्पेरिकल डेटा एंड प्रॉपर डेटा एनालिसिस मेथड जो बढ़िया रिसर्च होती है उसमें हमको रेलिवेंट इम्पिरिकल और प्रॉपर डेटा एनालिसिस मेथड का इस्तेमाल करना होता है फिर और क्या क्या है गुड रिसर्च ये रिप्रेजेंटेटिव और जनरलाइजेबल है ये गाइडेड बाय लॉजिक है इसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है जब आपने वैलिडिटी पढ़ी होगी तो आप जानते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ये जितने पॉइंट है ये सारे क्वान्टिटेटिव रिसर्चेस के हैं ठीक है इन जनरल हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो क्वान्टिटेटिव की बात करते हैं इसीलिए क्वालिटेटिव की बात अलग से करनी पड़ती है ओके क्योंकि क्वांटिटेटिव अभी भी ज्यादा प्रचलन में है ओके okay, और इसकी हम अच्छा जब तो आप फर्स्ट चैप्टर लिख रहे होते हैं तो आपको लिमिटेशंस और बतानी होती है ना यानी कि लिमिटेशंस का मतलब कि हम अपनी पहले ही हमने अपनी लिमिट तय कर दी है कि हम ये नहीं अध्ययन कर पाएंगे जैसे मान लीजिए कि आप लड़कियों पर कोई स्टडी करने जा रहे हैं तो आप पहले ही लिमिट अपनी बना लीजिए कि आप सिर्फ शहरी लड़कियों का अध्ययन करने जा रहे हैं आप रूरल गर्ल्स तक आपकी पहुंच रहे है या पहुंचना मुश्किल है वॉट्स एवर लेकिन डीलिमिटेशन क्या होती है की कि किस किस चीज ने किस किस रिसोर्स ने आपको डीलिमिट कर दिया आपकी लिमिट तो थी वहां तक लेकिन आप उसको कर नहीं पाए जैसे हम लिखते हैं डीलिमिटेशन टाइम लैक ऑफ लैक लैक ऑफ ऑफ मनी फंडिंग या लैक ऑफ जो भी था आप उसको सपोर्ट नहीं किया उसने आपकी रिसर्च को तो इसलिए आप नहीं कर पाए तो ये डिलिमिटेशन है तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे वाइवा में पूछा जाता है कि लिमिटेशन और डीलिमिटेशन में अंतर बताइए ओके okay. और आपकी रिसर्च को फ्यूचर रिसर्च के लिए सजेशन प्रोवाइड करना है क्योंकि जब हम काम करते हैं जब हम फील्ड में उतरते हैं तब हम जानते हैं कि अच्छा इस पर भी काम हो सकता है इस पर भी हो सकता है इस पर भी हो सकता है तो जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं उनके लिए आपको सुझाव भी देना है तब आपकी रिसर्च गुड क्वालिटी रिसर्च कहलाएगी और जो मस्ट है जो ली, है, जो लीस्ट बट नॉट है किसी कीमत पे आप छोड़ नहीं सकते वो ये है कि इथिकल और आप जानते हैं कि मैं पहले भी इथिकल इश्यूज इन रिसर्च पर आपसे बात कर चुकी हूँ कि यहाँ पर हमारा मोटा मोटा मतलब प्लेगरिज्म ना करने से है कि हम प्लेगराइज कोई भी मटेरियल यूज नहीं करेंगे मोटा मोटा मतलब और बोलता रहे फिर गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस में आपको पता होगा कि यूजीसी अभी भी हमारे यहाँ हायर एजुकेशन को देख रही है 2020 की पॉलिसी में कहा गया है कि यूजीसी को हटाएंगे एच लाएंगे एच मतलब हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया उसके चार वर्टिकल होंगे बहुत सारी बातें की गई है बट अभी भी वो वर्केबल नहीं है उस पर काम हो रहा है कि कैसे उसको काम में लाया जाए तो हम यूजीसी की ही बात करेंगे तो यूजीसी इज कमिटेड टू रेजिंग दी स्टैंडर्ड्स ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया यानी कि यूजीसी कमिटेड है कि जो स्टैंडर्ड है रिसर्च अनुसंधान का उसको रेज किया जा सके बढ़ाया जा सके इसका मतलब कि स्टैंडर्ड कैसा है बेकार है This document reiterates the values underlying research integrity to help create a culture of responsible and quality research in the academic and research community. ये कह रहे हैं कि जो research integrity की values होनी चाहिए वो हमारे अच्छी नहीं हैं और हम चाहते हैं कि एक हम responsible और quality research का culture create कर सकें किसने अपने academic और research community में। तो research integrity का क्या मतलब कि the integrity of the research enterprise rests on honesty and trust, यानी कि ईमानदारी और विश्वास ये दो ऐसे गुण हैं जिन पे कोई भी अनुसंधान की इंटीग्रिटी निर्भर करती है अकॉर्डिंग टू द यूएस नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ रिसर्च इंटीग्रिटी इंक्लूड्स ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं रिसर्च इंटीग्रिटी को ये कह रहे हैं यूज ऑफ ऑनेस्ट एंड वेरीफायबल मेथड्स इन प्रपोजिंग परफॉर्मिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिसर्च यानी कि हम प्रपोज करें कि हम ये काम करने जा रहे हैं हम काम करें और हम काम की जांच करें उन सब में हमको ऑनेस्ट और वेरिफाइबल मेथड्स का इस्तेमाल करना है और रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स देखिए ये बात कहीं रह गई कि जब भी हम रिसर्च करते हैं रिसर्च इज ए आप कह सकते हैं कि पर्सनल एक्टिविटी विच एड सोशल एक्सटेंशन मतलब काम हम कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि काम करके हम दबा के रख लेंगे बंद करके अपनी रिसर्च पीएचडी ये नहीं होता है तो उसको आपकी उसकी जो फाइंडिंग है उसको आप डिसमिनेट करते हैं उसको पब्लिश कराते हैं बुक फॉर्म में जर्नल में कैसे भी ताकि उसका रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके तभी तो उसका सार्थक है उसको करना ना तो हमको रिसर्च रिजल्ट की रिपोर्टिंग भी करनी है लेकिन हमको ध्यान देना है कि रूल रेगुलेशन और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए करेंगे फॉलोइंग कॉमनली एक्सेप्टेड प्रोफेशनल कोर्स और नॉर्म्स जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम रिपोर्ट पब्लिश करेंगे फिर ये ऊपर थोड़ा चला गया कि कौन से वैल्यू रिसर्च इंटीग्रिटी के लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं इथिक्स बात हो गई रिगर के संग हमको काम करना है रेलेवेंट होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए रेस्पेक्ट करें रेस्पेक्ट किसकी करें जिसको हमने अपना सैंपल बनाया है या जो हमारा को रिसर्चर है ना इम हमको कहीं भी इसमें पार्शियलिटी की जगह नहीं होनी चाहिए रिसर्च में इनडिपेंडेंट है ना कि आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं या आप किसी के सहयोग से कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अक्सर हमारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं जो अपनी कंसेंट देते हैं उनके प्रति हमको अकाउंटेबल होना है कि जब हमने उनसे कंसेंट फॉर्म भरवा लिया है कि इस डेटा को हम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए यूज करेंगे तो आप उसका इस्तेमाल कहीं और नहीं कर सकते ये आपकी इंटीग्रिटी है है ना कि आप कितने इथिकल हैं

फिर हम रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसका फिर हम लिटरेचर का रिव्यू करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से हमको पता चल जाएगा क्या क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है जो नहीं हुआ है उस दिशा में हम काम आगे शुरू करेंगे डेटा रिसर्च मेथड्स के साथ हम एनालिटिकल अप्रोच रखेंगे जब हम रिसर्च करने जाएंगे तो क्या करेंगे एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा स्टोरेज आजकल तो ऑनलाइन की वजह से बहुत कुछ डेटा कंप्यूटर में फीड हो जाता है लेकिन पहले नहीं ये सुविधा थी तो कागज पर हाथ से लिख-लिख कर ये, ये सारा काम डेटा स्टोरेज के रूप में होता था फिर हम चेक लगाएंगे किस पे आपने आपको एथिकल रिसर्च इन प्रैक्टिस में मैंने बताया था एफएफपी क्या था फॉल्सिफिकेशन फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म तो हमको ये कुछ भी नहीं करना है ना फॉल्सिफाई करना है ना फैब्रिकेट करना है ना करना है और ना ही प्लेगरिज्म को फॉलो करना है और कोलेबोरेशन एंड ऑथरशिप का ध्यान रखेंगे आप और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बहुत बात हो रही है आजकल आप उसका भी ध्यान रखेंगे और फिर क्या करेंगे आप डिसमिनेशन यानी आपकी रिजल्ट आ गया आपकी फाइंडिंग आपके हाथ में है तो सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम फॉर पब्लिकेशन हम चुनेंगे वो माध्यम जिससे हम बेस्ट माध्यम हो जिसके तहत हम उसको पब्लिश करा सके

तो ये रहा गुड क्वालिटी रिसर्च प्रैक्टिसेस के पैरामीटर्स तो जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो एज अ स्टूडेंट हम एकदम नील होते हैं हमें कोई आइडिया नहीं होता कहाँ से चलना है क्या करना है क्या करें क्या ना करें तो आई थिंक दिस लेक्चर विल बी फ्रूटफुल फॉर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन डन फ्रॉम माई साइड